सो हाई गाइस, एंड आज मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट जो MBBS की स्टोरी सुनाऊंगा। सो मैं अगस्त 2018 में सबसे पहले कॉलेज में गया था। नो मेरा कॉलेज का जो एडमिशन है वो थोड़ा सा लेट हुआ था। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। मेरी जो रैंक थी वो थी 1600 समथिंग, एंड देन उसके बाद मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में UCMS मिल गया था। बट फर्स्ट काउंसलिंग में मैं एडमिशन नहीं ले पाया। आई वॉज बिजी विथ सम कॉन्फ्रेंस फॉर इंडियन आर्मी एंड समथिंग, नॉट सो आई वॉज नॉट इन डेली। सो मेरे को बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन मैं नहीं आ पाया। यहाँ आने के बाद देन मैंने एडमिशन की ट्राई करी, एंड उस वक्त मेरे पास डॉक्यूमेंट्स इश्यू कुछ आ गए तो नहीं हो पाया था। सो सेकेंड काउंसलिंग जब हुई तो उसमें भी मेरा सेम कॉलेज UCMS ही आया था। तब मैंने फिर वहाँ पर एडमिशन ले लिया। ठीक है, मैं तुम्हें अब कहानी बताता हूँ। जब मेरा फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज गया था। तो एक्चुअली मैं तुम्हें उसका भी बताता हूँ। हम लोग कोरा पे मिले थे, एंड लकीली हम लोग सिर्फ 3 गली दूर रहते थे। हमने आज तक एक दूसरे को देखा नहीं था, मिले नहीं थे, लेकिन जब हमने कोरा पे बात करी तो फिर हमने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो, तो उसने बोला कि मैं भी वहीं रहता हूँ, तिलक नगर के पास शिवनगर में, मैं भी वहीं रहता था। तो हमें इसका आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग साथ में गए थे बाय मेट्रो। उसके बाद फिर हम मेट्रो से ही कॉलेज जाते थे। तो फिर उसके बाद हम कॉलेज में से जब फर्स्ट डे हम उतरे, तो जब हम कॉलेज तक पहुंचे हम थोड़े से लेट थे। फिजियोलॉजी का लेक्चर था वो, इट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, एंड टॉपिक भी जनरल फिजियोलॉजी था। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उस लेक्चर में क्या था, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था लेक्चर में। आई वॉज मोर अबाउट नोइंग मोर अबाउट द कॉलेज। सो एक्साइटेड। सो इस एक्साइटमेंट के चक्कर में मुझे कुछ समझ में नहीं आया लेक्चर में क्या हुआ। अपेरेंटली एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर फिर फिजियोलॉजी का था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर जब हमारा एनाटमी का हुआ, तो उसमें सब जनरल एनाटमी का कुछ स्टार्ट हुआ। तो हमने पहली बार जनरल एनाटमी थोड़ी पढ़ी, हमने सुना था इसके बारे में, एनाटमी की बॉटम होती है, लेकिन हमें तो बहुत ही आसान लगी। उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिकल था हमारा फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी में हम ऑब्वियसली हम पीछे पीछे ही बैठे रहे थे। उसमें हमें बस ये देखना था कि हमारे जो ये होते हैं माइक्रोस्कोप्स, उनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना था, कि देखना था कि कैसे उसे सेट करना है वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसी डेमो स्लाइड दे दी थी, बोला कि इसको सेट करके बताओ। फिर हमने किया, ब्लड की कुछ स्लाइड थी, पता नहीं क्या था वो, तो उस स्लाइड को हमने फिर सेलेक्ट किया। और उस वक्त हमने थोड़ा, क्योंकि अब हम LT में तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था। मैं सिर्फ सुकृत को जानता था, लेकिन जब वहां पर हम आए तो उसमें हमने काफी लोगों से मिले। और उसमें क्योंकि हम लोग आमने सामने भी होते और सब मिल भी रहे थे, तो उस वक्त तो कोई किसी को जानता नहीं था। तो फिर भी थोड़ी बहुत बातें हुई, थोड़ा बहुत कनेक्शन हुआ लोगों से। तो मैं तो बी बैच में था, बिकॉज मेरा लेट एडमिशन भी हुआ था। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद ब्रेक आया। ब्रेक में तो मैं बताता हूँ, ब्रेक में क्या होता है हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर्स में, क्या होता है, ये हम LT में ही बैठे रहते हैं। हमें बाहर हम जाना, बाहर हमारे लिए LT खुला होता है, मतलब LT में हम आके बैठ सकते हैं। बाकी सभी ईयर्स को तो LT में बैठना अलाउड नहीं होता, बस फर्स्ट ईयर को ही होता है। हम लोग LT में बैठ कर अपना लंच कर रहे थे। जो हॉस्टलर्स थे वो हॉस्टल चले गए मेस में खाना खाने, हम लोग अपना LT में ही थे। फिर वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बातें हुई, ग्रुप बने, बातें शातें शुरू हुई थोड़ी। फिर उसके बाद MBBS के फर्स्ट ईयर का सबसे अच्छा टाइम आया, वो होता है हमारा डाइसेक्शन हॉल। फिर हमारा डाइसेक्शन हॉल में हम लोग गए। अब डाइसेक्शन हॉल में ही हमारा एक्चुअल फ्रेंडशिप जो थी, जो एक्चुअल दोस्ती थी, जो एक्चुअल ग्रुप बना, वो पहला ग्रुप वो डाइसेक्शन हॉल में था। तो डाइसेक्शन हॉल वॉज अगेन ऑसम, क्योंकि मेरा एडमिशन थोड़ा सा लेट हुआ था। तो वो जो डाइसेक्शन हॉल था उसमें हम लोग सब लेट वगैरह सबका साथ में था। हमारा टेबल टेबल 5 था, हम लोगों का 6 टेबल है टोटल, मेरा टेबल 5 था, टेबल 6 पे भी कई लोग थे। अच्छा, टेबल 5 में फिर जो हमारा फ्रेंड सर्कल बना था वो आज तक बना हुआ है, मतलब उसके बाद हम लोग सब बिखर गए थे, बिकॉज उसको सब अल्फाबेटिकली सब अरेंज कर दिया था थोड़े टाइम बाद, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ था ये सब। तो सब के सब बिखर गए थे, एंड लेकिन आज भी वो फ्रेंड सर्कल जो है वो बरकरार है। आज भी हम सब एक दूसरे, आज भी वो हमें वो टेबल टेबल 5 जरूर याद आता है। तो उस वक्त उसमें कोई बॉडी नहीं थी, उस वक्त सिर्फ जनरल एनाटमी थी। तो हमारे जो SR थे उन्होंने हमें कुछ थोड़ा सा उसको पढ़ने के लिए बोल दिया था। उस वक्त कोई बॉडीज नहीं थी, क्योंकि अभी तक हमने प्रॉपर अपर लिम्ब स्टार्ट नहीं किया था। जब बॉडी आई थी, मैं तुम्हें तो बॉडी का, तो हमारी बॉडी भी बहुत अच्छी मिली थी हमें टेबल 5 की। क्या होता है मैं तुम्हें तो थोड़ा सा बताता हूँ। कैडेवर्स में अगर तुम्हारी बॉडीज जो है वो थोड़ी फैट वाली आए, तो उसको उसको डाइसेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टेडियस होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें फैट बार बार रिमूव करना पड़ेगा। पर उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो काफी हद तक प्रिजर्व होते हैं, तो वो काफी अच्छे से दिखते हैं उसके स्ट्रक्चर्स। जो पतली बॉडीज होती हैं उनको डाइसेक्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि फैट इतना नहीं होता उनमें, फटाफट हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इतने प्रिजर्व नहीं होते। हमारी जो बॉडी थी वो ठीक अमाउंट ऑफ फैट था उसमें, तो स्ट्रक्चर्स भी प्रिजर्व थे और इतना कुछ फैट भी नहीं था। बट ये आफ्टर 1 वीक की बात है, जब जनरल एनाटॉमी हमारी ओवर हो गई।
फिर हमारा हुआ ये सब डायसेक्शन। अब मैं तुम्हें डायसेक्शन को और बताता हूँ। हम लोगों डायसेक्शन में हमने ये रियलाइज़ किया कि हम सब कितने बड़े जल्लाद हो चुके हैं। मतलब हमने सुना था लोग बेहोश होते हैं वगैरह वगैरह, हमारे पूरे पूरे बैच में, पूरे 150 बच्चों में एक सिंगल बच्चा बेहोश नहीं हुआ। तो उसके बाद डायसेक्शन हॉल का जब टाइम पीरियड 2 घंटे DH का टाइम था वो ओवर हुआ, फिर हम गए अपने LT में, फिर LT मतलब लेक्चर थिएटर। सो LT में फिर क्या हुआ, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का पीरियड था, फिर उसमें सर आए, सर ने पढ़ाया। नाउ मुझे फर्स्ट डे, फर्स्ट फ्यू वीक्स तो सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी समझ में आती थी क्योंकि वो जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे थे और बाकी दोनों सब्जेक्ट समझ नहीं आते थे। और आफ्टर 1 वीक मुझे एनाटॉमी छोड़ के बाकी सब समझ में आता था। उसके बाद हमारा ओवर हुआ सब, फिर हम लोग गए, फिर हम लोग बाहर निकले, हमारी छुट्टी हो गई, फिर हम लोग बाहर निकले, सोचा कि हम लोग सीनियर से बच जाएं वगैरह, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफ़ी चिल था, सब सीनियर्स भी थे और किसी ने हमें कुछ कहा नहीं, हम अपने आप गए कॉलेज से बाहर। उसको मैं तो बताता हूँ, मेरा उस दिन फर्स्ट डे मेरा फर्स्ट सीनियर इंटरेक्शन भी कैसे हुआ था। तो जब हम लोग घर जा रहे थे तो ई रिक्शा से हम मेट्रो पे जा रहे थे, तो उसमें हम लोग 3 थे और हमारे साथ एक सर थे, तो उन्होंने हमसे नाम पूछा, तो हमने नाम बता दिया, वो उन्होंने प्यार से ही पूछा था। उसके बाद जब हम लोग ई रिक्शा से मेट्रो पे पहुंचे तो उन्होंने, जब हम पे करने लगे तो उन्होंने रोक दिया कि अपने वॉलेट से अंदर रखो, फिर सर ने पे कर दिया और फिर हम चले गए। फिर हम लोग मेट्रो में घर आ गए। तो उस वक्त फिर पहले मैं सिर्फ सुकृत के साथ आया था, लेकिन इस बार इस वक्त मेरे साथ और भी फ्रेंड्स आ गए और हम सब मेट्रो वाले काफ़ी बन गए थे उसमें से काफ़ी सारे लोग, लेकिन फिर जब बाद में हॉस्टल्स मिल गए तो फिर हम मेट्रो वाले हम कुछ ही रह गए। तो दैट वॉज माई स्टोरी।